उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर मुझसे निवेदन करते हैं तो मैं विचार करूंगा कि नेताजी की मूर्ति कहीं लगवाई जाए। नेताजी इतने बड़े नेता रहे हैं और नेताजी के इसलिए नहीं कि हमें बीजेपी से लगवानी है प्रतिमा, हम खुद सक्षम है समाजवादी लोग और नेताजी को मानने वाले, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले इतने खुद ताकतवर हैं, वो जहां चाहेंगे वहां मेमोरियल बना देंगे। इसलिए ये इस बहस में एक बहुत छोटे नेता के बारे में इस तरह मत खा करो, छोटे नेता से पूछते हो। हमने तो पिछली बार भी कहा था कि टूरिज्म के सेंटर बना दो मैनपुरी को, भाई टूरिज्म का कोई बजट आ जाए। आप चौराहे तो पहले से बने हुए हैं, चौराहे पे क्या है, कब्जा कर ले रहे हो आप। ये कब्जा इसलिए कर रहे हो जिससे कि और महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा न लग जाए, ज्योतिबा फूले की कोई प्रतिमा न लग जाए, नेताजी की कोई प्रतिमा न लग जाए, राम मनोहर लोहिया जी की कोई प्रतिमा न लग जाए, जेपी आंदोलन से जुड़े जेपी की कोई प्रतिमा न लग जाए, गाड़गे साहब की प्रतिमा न लग जाए, अवंतीबाई की प्रतिमा न लग जाए, कोई महाराज बिजली पासी की प्रतिमा न लग जाए। ये जगह घेर रहे हैं। हमारी जब कभी भी सरकार बनेगी ये लगा लें जितनी प्रतिमा लगाना चाहें, डीएम आवास खाली करवा करके पीडीए के जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा देंगे।